हेलो फ्रेंड, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। आज मैं आपको प्लाजो कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं कि इसका फाइनल लुक कितना प्यारा आया है। ये ड्रेस हमने जॉर्जेट फैब्रिक से बनाई है। जॉर्जेट फैब्रिक कितना लेना है मैं आगे वीडियो में क्लियर कर दूँगी। ये ड्रेस आजकल काफ़ी फैशन में है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि साइड में हमने ओपन रखा है, जो कि ये ड्रेस को और ही ज़्यादा प्यारा लुक दे रहा है। इस ड्रेस को बनाना बहुत ही इजी है, आप एक ही बार में सीख जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका जो मेजरमेंट है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने डिजाइनर फैब्रिक लिया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये हमारा सिक्वन का इस पर वर्क है, और कॉटन फैब्रिक लिया है और जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। जॉर्जेट फैब्रिक करीब हमने 3 मीटर लिया है। तो सबसे पहले हम टॉप पॉइंट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में रख लेंगे और टॉप पॉइंट का रेंट है 13 इंच में 1 इंच मार्जिन के लिए रख लेंगे और शोल्डर 7 इंच पे मार्क करेंगे। वहीं से 7 इंच हारमोन की तरफ हमें मार्क करेंगे और इस तरह एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमें फिटिंग की मार्किंग करना है। आपका जो भी फिटिंग है उसमें 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका फिटिंग निकल आएगा। तो 2 इंच मार्जिन के लिए रख लेंगे और हारमोन के साइड हमें गोराई का शेप दे देंगे। इसके बाद अब इसे हमें कटिंग कर लेना है। जैसा मार्किंग किया था सेम उसी पे हमें कटिंग कर लेना है। उसके बाद दोनों फैब्रिक को हमें अलग करना है और फिर से इसे अच्छी तरीके से हमें सेट कर लेना है और हारमोन की साइड हमें 1/2 इंच गहरा में कटिंग कर लेना है। नेक का विड्थ रहेगा 3.5 इंच और लेंथ रहेगा 4 इंच। इस तरह एक चौकोर नेक डिजाइन ड्रो करेंगे और गोराई का शेप दे देंगे और टेप को ऊपर के साइड रखते हुए 10 इंच पे हमें मार्किंग करना है और साइड से भी 3.5 इंच पे मार्क कर लेना है। नीचे से भी 3.5 इंच पे मार्किंग करना है और दोनों साइड से 1/2 इंच की मार्किंग करके निशान लगा लेंगे और ऊपर के साइड हमें गोराई का शेप दे देना है। हमें इस तरह निशान लगा लेंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद हारमोन के साइड हमें 1/2 इंच जो हमने मार्क किया था उसे हमें कटिंग कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ से भी हमें कटिंग कर लेना है। गले की कटिंग हम बाद में कर लेंगे, पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। नेक का विड्थ रहेगा 3.5 इंच और लेंथ रहेगा 5 इंच पे मार्किंग कर लेना है और इस तरह चौकोर नेक डिजाइन ड्रो करेंगे और गोराई का शेप दे देंगे। इसके बाद हम मेन फैब्रिक पे इसे रख के कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। इसी तरह पूरे पे हमें कटिंग कर लेना है। तो देखिए, ये हमारा कटिंग हो चुका है। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों पार्ट पे हमने कटिंग कर लिया है। तो अब चलिए मशीन पे इसे सिलना। नेक का विड्थ रहेगा 3.5 इंच और लेंथ रहेगा 4 इंच। इस तरह चौकोर नेक डिजाइन ड्रॉ करेंगे और नेक पे कुछ इस तरह का निशान लगा लेंगे। इसके बाद अब इसे हमें कटिंग कर लेना है। इसके बाद मेन फैब्रिक पे इसे रखेंगे और गले पे सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारा सिलाई लग चुका है। अब गले की कटिंग कर लेंगे और छोटी छोटी कटे लगा लेंगे पूरे गले पे। कटे लगाने से गले की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी तरीके से आती है। उसके बाद इसे पलट लेंगे
और उंगली की सहायता से इसे अच्छी तरीके से सेट करते हुए गले पे फिनिशिंग के लिए सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से पूरे गले पे हमें सिलाई लगा लेना है और साइड से भी हमें सिलाई लगा के इसे सेट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा सिलाई लग चुका है। अब इसके बाद अब सेकेंड पार्ट पे भी हमें सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। अब उसके बाद प्रिंसेस वाले पार्ट को हमें सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे इस तरीके से। इसी तरह अब दूसरे पार्ट को भी हमें सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। तो देखिए हमने दोनों पार्ट को सिलाई लगा के रेडी कर दिया है। इसके बाद गले पे हमें इस तरह निशान लगा लेंगे। इसी तरह दूसरी साइड भी हमें निशान को लगा लेना है। तो देखिए ये हमारा निशान लग चुका है। उसके बाद एक लैस लेंगे और गले पे हमें लैस को इसे लगा लेंगे। लैस के दोनों किनारों पे हमें सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। इसके बाद लैस लेंगे और गले पे हमें ऊपर के साइड से सिलाई लगाते चले जाएंगे नीचे तक। इसी तरीके फिर एक और लैस लेंगे और इसी के पास में रखते हुए हमें फिर से सिलाई लगा लेंगे। बारी बारी से सभी लैस को इसके हमें लगा लेना है। फिनिशिंग के साथ हमें रैश को लगा लेना है इस तरीके से। और दूसरी साइड भी हमें रैश को लगा के रेडी कर लेना है। इसके बाद बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसे मेन फैब्रिक पे रखते हुए गले पे सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद अब इसे हमें कटिंग कर लेना है। छोटी छोटी कटे लगा लेंगे पूरे गले पे। इसके बाद अब इसे हमें परख लेना है। इसके बाद फ्रंट पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट पर हमें उल्टा साइड रखते हुए शोल्डर पे सिलाई लगा लेंगे। कॉटन का जो हमारा फैब्रिक है इसे ऊपर के साइड ले आते हुए हमें सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हमें दूसरी साइड भी करना है। कॉटन की फैब्रिक जो ये हमारा है इसे हम ऊपर की साइड रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से शोल्डर पर हमें सिलाई लगाने से शोल्डर की फिनिशिंग बहुत अच्छी तरीके से आती है। इसके बाद अब इसे हमें इस तरह परख लेना है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये हमारा फिनिशिंग बहुत अच्छी तरीके से आई है। इसके बाद अब एक बार और हमें सिलाई लगा लेंगे ऊपर के साइड। इसी तरह पूरे पे हमें सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। इसके बाद बैक पार्ट में हमें इस तरह परेट लगा लेना है। इसी तरह दूसरी साइड भी हमें परेट को लगा के रेडी कर लेना है। तो देखिए ये हमारा टॉप पार्ट रेडी हो चुका है। इसके बाद अब फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह दूसरी साइड भी हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेना है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें कटिंग कर लेना है। तो देखिए ये हमारा टॉप पार्ट रेडी हो चुका है। इसके बाद अब बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को डबल लेयर में फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा ज्वाइन हो रहा हिस्सा है और ये हमारा खुला हो रहा हिस्सा है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं तरफ से हमारा ज्वाइन हो रहा हिस्सा है उसे हमें इस तरह उठाएंगे और इस तरह फोल्ड कर लेंगे। इसे अच्छी तरीके से हमें सेट कर लेना है। इसके बाद टॉप पार्ट को लेंगे और इसे इस तरीके से रखेंगे और निशान लगा लेंगे। इसे हमें गोलाई का शेप दे देना है। टॉप पार्ट का रेंट रहेगा 14 इंच। तो 14 इंच पे टेप को रखते हुए नीचे की तरफ हमें रेंट की मार्किंग कर लेना है। तो हमारा रेंट रहेगा 47 इंच। इसी तरह पूरे पे 47 इंच पे हमें मार्किंग कर लेना है और इस तरह निशान लगा लेंगे। इसके बाद अब इसे हमें कटिंग कर लेना है।
तो देखिए ये हमारा कटिंग हो चुका है। इसके बाद इसे हम इस तरह खोल लेंगे और इसे इस तरह सेट कर लेंगे। तो देखिए इसे सेट करने के बाद हमें रेस लेंगे, ये मोटी वाला रेस लेंगे और इसे इस तरह रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इसे अंदर की साइड रखते हुए एक और सिलाई हमें लगा लेंगे ऊपर के साइड। इसी तरह हमें पूरे पे रेस को लगा लेना है। इस रेस को लगाने के लिए मैंने सिंगल चाप का उपयोग किया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो देखिए हमने लगा के रेडी कर लिया है। इसके बाद हम टॉप पार्ट को लेंगे। टॉप पार्ट को भी सेंटर से हमें इस तरह फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हमने सिलाई को एक साथ रखते हुए फोल्ड किया है। इसी तरह हमें फोल्ड कर लेना है और इसमें छोटी सी हमें कट लगा देंगे। उसके बाद जहाँ पे हमने निशान लगाया था वहीं पे हमें बॉटम पार्ट को रखेंगे और राउंड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें पूरे पे हमें सिलाई लगा लेंगे। अब फिर से एक बार और देख लीजिए कि जहाँ पे हमने मार्किंग किया था वहीं पे हमें बॉटम पार्ट को रखेंगे, दोनों को हमें एक साथ रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक जो कि बनकर बहुत ही प्यारी लग रही है। आप इस कुर्ती को पार्टी वियर के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ आप चाहे तो जीन्स पैंट नहीं तो प्लाजो पैंट को भी तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।